जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, ये हमारी लाइफ का बेस्ट एस्पेक्ट होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं, जो इसको टच कर पाते हैं, जो इसको समझ पाते हैं, जो इसको राइट वे में इंटरप्रेट कर पाते हैं। इसको मिस इंटरप्रेट करना वो सब ठीक है। एक लाओत्से का स्टेटमेंट है कि तीन तरह के लोग होते हैं, पहला इंटेलिजेंट, दूसरा एवरेज माइंडेड और तीसरा स्टूपिड। लाओत्से का एक स्टेटमेंट है, उसमें वो कहते हैं कि अगर गॉड की बातें इंटेलिजेंट से करो तो तुरंत उसको एम्बॉडी करना शुरू कर देता है, अगर एवरेज पर्सन से गॉड की बातें करो तो 50% तो उसको लगता है यार कुछ तो मजा आ रहा है, 50% वो डाउट करता है, और स्टूपिड से करो तो वो हंसने लगेगा, बोलेगा देखो बेवकूफ बना रहा है। अगर वो नहीं हंस रहा है तो इसका मतलब आपने गॉड की बात ही नहीं। आज का जो सेशन है इसको हम लोग एज ए क्यूरियोसिटी की तरह इसको हम लोग नहीं लेंगे, मतलब क्योंकि देखिए किसी भी सब्जेक्ट को ना बहुत तरीके से लिया जा सकता है, एज ए क्यूरियोसिटी के लिए, एज ए टाइम पास के लिए बहुत से तरीके होते हैं किसी भी टॉपिक को। कुछ छोटे रीजन होते हैं, कुछ बड़े रीजन होते हैं, तो हम लोग छोटे रीजन के साथ इससे अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप इसका बेस्ट बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है ये चीजें। ये क्वेश्चन है हाउ टू फोकस व्हाइल डूइंग मेडिटेशन। देखिए एक तो सबसे पहले अभी आपको करना क्या है, अपने आप को सबसे पहले ना जो भी आउटर सोर्सेज है, जो भी हम सबके घर में मोबाइल में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक तो उनसे अपने आप को कट ऑफ कर लीजिए। धीरे धीरे हम लोग सिंक करके फिर आगे बढ़ते हैं। आप सिंक करेंगे तभी आप मतलब मेरी एनर्जी के साथ मर्ज हो पाएंगे। जब आप मेरी एनर्जी के साथ सिंक करते हैं, मर्ज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ना बहुत सी चीजें होती है। ऑटोमेटिकली आपकी इमोशनल लेवल पे क्लिंजिंग होती है, ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें होती है। जैसे हम लोग रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं, हम लोग कोई एफर्ट नहीं करते, लेकिन रात में जो सोता है और सुबह जो उठता है दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो सोता है उसकी एनर्जी लेवल और जो उठता है उसकी एनर्जी लेवल बहुत डिफरेंस, जबकि हमने तो कोई एफर्ट्स नहीं किया, क्योंकि उस समय ना हम लोग कॉन्शियस एफर्ट्स बंद कर देते हैं, तो हम लोग अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली यूनिवर्स के साथ सिंक में होते हैं। फिर यूनिवर्स अपना काम करती है, और यूनिवर्स का काम क्या है, आपको हील करना, आपको एनर्जाइज करना, आपको इम्पावर। तो जो भी हायर फोर्सेज होते हैं ना, जो भी जिन लोगों की भी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी हायर प्लेन पे होती है, उन लोग की लाइफ थिंकिंग एनर्जी एक अलग प्लेन पे चलती है, क्योंकि वो भी अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। सो पहले क्वेश्चन को आंसर करते हैं। क्वेश्चन है हाउ टू फोकस व्हाइल डूइंग मेडिटेशन। देखिए सबसे पहले आप एक बात समझिए, हम लोग को वही उन्हीं वर्ड्स का पता चलता है जो वर्ड थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं, जिनकी मार्केटिंग हो जाती है। मेडिटेशन का मतलब समझिए, मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान। मेडिटेशन का जो हिंदी मीनिंग है वो बोलते हैं ध्यान। अब आपसे सपोज कीजिए कोई बोलता है कि ध्यान करो, या उसको और सिंपल वर्ड पे चले जाते हैं, ध्यान भी थोड़ा सा ना एक टेक्निकल वर्ड है, सिंपल पे आ जाते हैं, ध्यान दो। हम लोग बच्चों को बोलते हैं ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, देखो। देखिए मेडिटेशन ना इनकम्प्लीट वर्ड है। हम लोग ध्यान देंगे तो किसी न किसी चीज पे ध्यान देंगे, ध्यान जो है ना सबको कोई डायरेक्शन होगा, तो मेडिटेशन जो है ना वो अपने आप में इनकम्प्लीट वर्ड है। सो मेडिटेशन, अगर मेडिटेट, अगर कभी भी आप बोल रहे हो कि मेडिटेट कर रहे हैं, तो मेडिटेट आप किस चीज पे कर रहे हो? आप मेडिटेट आप बाहर की किसी चीज पे कर सकते हो, अंदर की चीज पे करने की कोशिश कर सकते हो। सो मेडिटेशन अपने आप में एक इनकम्प्लीट वर्ड है, कि मेडिटेटिंग ऑन व्हाट। अगर आप बोलो कि मैं देख रहा हूँ, अगर आप किसी से बोलो कि मैं देख रहा हूँ, आप जब सिनेमा देखते हो, मूवी देखते हो, टीवी देखते हो, तो आप बोलते हो मैं टीवी देख रहा हूँ। कुछ भी जब आप देख रहे होते हो, जब भी आप कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, बुक देख रहे हो, कुछ भी आप देख रहे हो। लेकिन जब हम लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो कई बार ना हम लोग का जो कॉमन सेंस है ना, हम लोग उसको भी बंद कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं कॉमन सेंस भी यूज नहीं। तो आप जब मेडिटेशन अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप ये बताइए आप ध्यान करते किस पे है, तब मैं आपकी बात को समझ पाऊंगा ना। क्योंकि देखिए मैं तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज मुझे आती है, मुझे कोई टेक्निकल लैंग्वेज आती नहीं है, ना उसकी कोई जरूरत है। तो आप में से जितने लोगों ने बोला कि सेम आपके साथ इशू है, आप में से अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन में फोकस नहीं कर पा रहे, तो फोकस किस पे करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये बताइए किस पे आप फोकस करते हो। आप लोग किस चीज पे फोकस करने की कोशिश करते हो, आंसर कीजिए चैट में, किस चीज पे फोकस करने की कोशिश करते हो। किसी ने लिखा है ऑन गॉड और ऑन पीस। आपने बड़ा आसानी से तीन लेटर का वर्ड लिख दिया, ऑन गॉड। गॉड पे ठीक है, आप देखिए ये जो स्पिरिचुअल साइंस है, हम सबकी अपनी अपनी एक बिलीफ है, हम सब ना पहले से कुछ सीखा हुआ है, हमें हमारे रैंडम मास्टर्स ने या जो भी है, मतलब हमारे मास्टर्स ने या जहां से भी हमने सीखा है, कुछ ना कुछ सीखा हुआ है। मतलब किसी ने हमको बता दिया कि ये फोटो गॉड है, किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है। अदरवाइज गॉड क्या है वो अपने आप में एक समझने का एक विषय है, कि हम गॉड किसको बोल रहे हैं। आप गॉड पे कैसे, हम लोग तो जैसे अगर मैं अपना लैंग्वेज बोलूं, अपनी एक्सपीरियंस बोलूं, तो हम लोग तो यूनिवर्स को गॉड बोलते हैं। हम यूनिवर्स को देख कैसे सकते हैं, हम तो उसके अंदर हैं। जैसे हमारे अंदर शरीर में कोई वायरस है और वो बोले हमारे पर फोकस कर रहा है, तो हमारे पर कैसे फोकस कर सकता है। ऑन पीस, पीस तो आउटकम है, पीस तो आउटकम है, आप पीस पे कैसे फोकस कर सकते हो, कैसे मेडिटेट कर सकते हो। आपने जो जो भी वर्ड्स यूज किए, मेडिटेशन का मतलब ध्यान देना, जैसे अभी आपका ध्यान आपके मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन पे है, मेरी बात को। फोकस का मतलब फोकस, फोकस का मतलब भी एक तरीके से मेडिटेशन भी है, कि हमारा फोकस कहाँ है, हमारा हम मेडिटेट कहाँ पे कर रहे हैं। ब्रीथ इज ब्रीथ,
तो सारे एलिमेंट्स को ना आप अलग अलग समझो। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि हम अपने सांस पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपने सांस पे ध्यान दे रहे हैं। ब्रीथ ठीक है, हम अपने सांस पे ध्यान दे रहे हैं। नंदा जी बोल रहे हैं एनर्जी पे, आप एनर्जी को कैसे सेंस कर रहे हैं, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेंस कर रहे हैं? आप लोग एक सिंपल सा देखें, अगर हम लोग स्पिरिचुअल उसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ना एक वर्ड मैं आपको कम्युनिकेट करता हूँ जिसको बोलते हैं ऑनेस्टी। हमें ना सबसे पहले ऑनेस्ट होना, ऑनेस्टी का मतलब समझिए, जो आता है उसको बोलना है आना आता है मुझे, जो नहीं आता है हमें एक्सेप्ट करना है कि जी नहीं आता है, सुना है लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। अगर आप बेसिक ऑनेस्टी आप में नहीं है ना तो ये अरीना आपके लिए बिल्कुल नहीं, और मैं तो फिर बिल्कुल नहीं। ये बहुत क्लियर और डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट, अगर मुझे कोई चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे यही बोलना चाहिए कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, और जब मुझे एक्सपीरियंस है तो मुझे बोलना चाहिए एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखिए समय के साथ ना चीजें बदल रही हैं, कुछ चीजें अपग्रेड भी हो रही हैं तो ज्यादातर चीजें डाउनग्रेड हो रही हैं। डाउनग्रेड का रीजन क्या है, ज्यादातर लोगों का जो प्लेन होता है ना वो लोअर प्लेन पे होता है और फिर वो चीजों को ना अपने हिसाब से कंटामिनेट करते हैं। अभी हम लोग जैसे 2020 में चल रहे हैं, आजकल जो जमाना है ना वो प्रूफ का है, सर्टिफिकेशन का है, इसका है उसका है, ये सब स्टुपिडिटी है। तो हम लोग उस नेगेटिव जोन की हम बात ही नहीं करेंगे, वीक लोगों की हम बात ही नहीं करेंगे, स्टुपिड्स की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए नहीं है। अगर मेरे बात से आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप मुझे सी लिखिए ताकि मैं देख लूं कि मेरा मैसेज कम्युनिकेट आप तक हो पा रहा है या मैं अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करूं। अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरी बातों को तो सी लिखिए, क्योंकि लाइव सेशंस में हम लोग आपके फेस को देख के आपकी वाइब्रेशन रीड कर लेते हैं। ये लाइव नहीं है तो आपके कमेंट से पे मुझे ट्रस्ट करना होगा। एग्जैक्टली, थैंक यू। सो सबसे पहले एक बात समझिए, आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं उसका रीजन ये है कि मैं इस टॉपिक पे स्ट्रांग हूं। मेरी लाइफ में जब यंग एज में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, यंग एज में आप जिस भी चीज को प्रायोरिटाइज करते हो उसमें आपकी सक्सेस होती ही होती है, आप फेल हो ही नहीं सकते हो। ये एक ट्रुथ है लाइफ का, सिंपल सी समझ लो आप, ये ट्रुथ है, फैक्ट। उसका रीजन क्या है समझिए, उसका रीजन ये है ना, उसका ये रीजन है, हम सबके पास ना बहुत एनर्जी होती है, उसको हम लोग जिधर चैनलाइज कर देंगे उधर वो बह के रिजल्ट प्रोड्यूस कर देती है। जैसे एक अभी मुझे एक एग्जांपल ध्यान आ रहा है, एक पर्सन है बहुत मतलब बहुत हाईली वेल ऑफ पीपल है, हाईली एस्टेब्लिश, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, अच्छी कंपनी के ओनर है, अराउंड 400-500 करोड़ का उनका एसेट है। और जब उन्होंने शुरुआत किया था ना तो उनके पास कुछ भी नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएट की तरह शुरू किया था, बस एक नशा था उनको कि जी मुझे अमीर बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। अब वो अपने 50s में है, 55 ऐसे समथिंग एज है, मेरे से 2-3 साल पहले टच में आया, मेरे से मेडिटेशन और ये सब सीखते थे। उन्हें वो बोला कि यार आप तो बड़े सही हो, आपको इसी उम्र में ये सब समझ कैसे आ गया, मैं तो जब यंग था मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, सब दौड़ रहे थे, मैंने भी दौड़ना शुरू कर दिया और मैंने अपनी पूरी एनर्जी अपने बिजनेस में लगाया, आज बिजनेस बहुत है और बहुत बड़ा है। और हुआ उनकी लाइफ में कुछ एक इंसिडेंट बता, उनके ही सगे भाई ने जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके, क्योंकि ठीक है उन्होंने प्रॉपर्टी अर्न किया था तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, किसी को पैसे दे दिए उनको मरवाने, और जब उनको ये बात पता चली तो डिप्रेशन में आ गए, उनको लगा कि यार मेरा भाई मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। फिर अब उनका ये कहना है कि ठीक, अब वो कहते हैं मैंने जिंदगी के 25 साल ठीक है जो भी किया मुझे लगता है मैंने बर्बाद किया, अब जब मेरे जिंदगी के 10 साल है ना वो मैं जीना चाहता हूँ। जो सबसे पहला एलिमेंट है, जो सबसे पहला एस्पेक्ट है, दैट इज ऑनेस्टी। और बड़े दुख की बात है हम लोग की सोसाइटी में इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, सब लोग बात करना भूल गए हैं। हमने मान लिया है कि जैसे हम तो एम्बेडेड है हमारे अंदर ऑनेस्टी, जबकि वो सच नहीं है। हम लोग ऐसा मान लिए हैं कि ऑनेस्टी तो ऐसे है जैसे कि ब्रीथ करने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता कि बच्चा बेटे सांस लेना मत भूलना, हम लोग ऐसा मान लिए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग में बेसिक ऑनेस्टी पे लैक कर रहे हैं, और अगर हम ऑनेस्टी पे लैक करें, हम अगर एक दूसरे की बातों पे ना ट्रस्ट कर पाए, फिर तो कुछ सब तो फिर तो सारा क्योस है ना, फिर तो हर चीज का प्रूफ दो, हर चीज का प्रूफ दो, हर चीज का प्रूफ दो, हर चीज का प्रूफ दो। तो प्रूफ देने में हम छोटे होते जाएंगे, हम बड़े नहीं होंगे, हम छोटे होते जाएंगे। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, आपका बच्चा बोले आप उनको प्रूफ दीजिए, आप थोड़े बहुत बता सकते हो ये सब, उसमें सब में लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन जिस दिन उसके मन में एक क्वेश्चन आ गया वो गिर गया, वो छोटा हो गया, बहुत नीचे चला गया। तो सबसे पहले ना अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हमें जाना है, और देखिए जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना इससे आप बच नहीं सकते, ये कोई चॉइस नहीं है, ये कोई वो नहीं है, मतलब ये कोई मूवी नहीं है कि हाँ ये मूवी देखे कि नहीं देखे, ये ना पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अगर आप क्लास 1 पास करते हो तो 2 में आप जाओगे, 10th पास करते हो तो 11th में जाओगे, आप स्कूल खत्म होता है तो ग्रेजुएशन में जाओगे, आप ग्रेजुएशन पूरा होगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे। ये तो लाइफ का ना एक वो है, एक सीढ़ी है। जैसे एक हिंदुइज्म की फिलॉसफी है जो बोलती है धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि आपका ये चार चीजें ठीक होनी चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब हमारा वे ऑफ लिविंग, धर्म का मतलब धर्म में ही ये सब जो ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं उसी का एलिमेंट है। धर्म का मतलब हम सबका एक धर्म है, हम जो भी जिम्मेदारी कर रहे हैं, हम जो भी जॉब कर रहे हैं, हम जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें उसके प्रति हमारा धर्म है। जैसे पहले होता था क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म, हमारा जो भी वर्क होता था उससे रिलेटेड हमारी ड्यूटीज जो है। अर्थ का मतलब हमें अपने फाइनेंस का ध्यान रखना है, हमें रिच होना है, हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, मनी की वैल्यू है। काम का मतलब जो सेक्सुअलिटी है,
वो भी लाइफ का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, एलिमेंट है, उसको छोटा नहीं समझना, बड़ा नहीं समझना, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, ओवर रेस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन वो है लाइफ का, उसको उसकी हर एक चीज की अपनी जगह है, इसीलिए चार पिलर में उसको एक दिया गया। और फोर्थ मोक्ष, क्योंकि देखिए जब हम लोग सारी चीजों से गुजरते हैं तो हम लोग को ना पता चलता है कि सबसे जो फायदे का जो बिजनेस है वो स्पिरिचुअलिटी है। बिजनेस इन द सेंस कि जिसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। बिजनेस का मतलब मैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस का मतलब समझिए आप, हम कोई भी काम करते हैं ना उसमें कुछ कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। हम चाहे रिलेशनशिप में जाएं, लव में जाएं, इंटीमेसी में जाएं, फिर जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं ना हमें लगता है कि सारे ना घाटे के सौदे, बाद में समझ आता है कि सबसे जो फायदे का सौदा है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो हम बात कर रहे थे, देखिए ये जो एस्पेक्ट है दिस इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ये नीड ऑफ लाइफ है, लेकिन क्या हर किसी का है? हर किसी का है, लेकिन हर किसी का इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे है, ये जरूरी नहीं है। देखिए हम सब यहाँ बहुत टाइम से हैं, लेकिन एक जब हम मैच्योर होते हैं ना एक स्टेज आता है जब हमें लगता है कि नहीं यार अब हमारी जो खुशी है ना वो यहाँ पे है। जैसे एक स्टेज होता है, जैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के टर्म्स में आपसे बात करें, एक स्टेज होता है जब जैसे मान लीजिए जब हम बच्चे होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है। एक स्टेज होता है जब हमें जो इंटीमेसी है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एक स्टेज आता है जब हमें लगता है कि नहीं अब हमें मैरिज करना चाहिए, फिर वैसे एक स्टेज ना हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो उसी तरीके से ना एक स्टेज होता है जब ये चीज ना हमें अट्रैक्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन देखिए अगर आपके साथ हो रहा है तो इसी टाइम पे सबके साथ होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन ना एक जर्नी में है, अलग अलग स्टेज पे है। इस पॉसिबिलिटी को कनेक्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो ताकि आप एब्जॉर्ब कर पाओ मेंटली, या तो आपका ना फेथ हो, ट्रस्ट हो, ताकि आप उसमें आप कनेक्ट करो। मेरा जो पहला मैसेज है वो ये है कि ऑनेस्टी को अपना चेक कीजिए आप। सबसे पहले अपनी ऑनेस्टी को चेक कीजिए, अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन कीजिए आप, और अपने आसपास वालों को देखिए। जो आपके आसपास जो अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन नहीं कर रहा ना उसको अपने इनर सर्कल से बाहर कर दीजिए कि ठीक है ये अभी पीछे है, अभी इस पे जिसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते। हर एक पर्सन के वर्ड की वैल्यू सेम नहीं है। तो अगर ऑनेस्टी वाली बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो एच लिखिए, अगर ऑनेस्टी की बात अगर आप समझ पा रहे हैं तो एच लिखिए, नहीं समझ पा रहे तो आप सेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे ना तो फिर तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, मैं तो गौतम बुद्ध कुछ भी बोल दूंगा, और फिर तो एक सब क्योस और जज और बहुत नेगेटिव हम एरिना में चले जाएंगे। थैंक यू। सो सबसे पहले ना हमें ये देखना है कि हम अपनी ऑनेस्टी को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि नहीं, हम उसको बचा पा रहे हैं कि नहीं, उससे होने वाले फायदे नुकसान को हम झेल पा रहे हैं कि नहीं। और यही तो देखिए यही तो वॉर ऑफ लाइफ है। जैसे कई बार हम लोग को लगता है हम साधना कर रहे हैं, हम साधना करेंगे, हम साधना करना चाहते हैं। हम लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कहीं से पता चल गया है कि मेडिटेशन करके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी हो जाएगी, जो कि अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन वर्ड ही अपने आप में इनकम्प्लीट है। ध्यान किस पे करें? चलो आप सांस पे करते हो, अगर आप सांस पे करते हो तो ठीक है। अब मेडिटेशन से होता क्या आप ये समझिए। देखिए नॉर्मली हम लोग का जो माइंड होता है वो ना बहुत स्कैटर्ड होता है, वो रोम करता रहता है, वो घूमता रहता है, इधर उधर उधर घूमता रहता है। जहां जहां हमारी थॉट जाती है वहां वहां ना हमारा अटेंशन जाता है, वहां वहां ना हमारी एनर्जी जाती है। इससे होता क्या है, हमारी जो पर्सनालिटी है ना स्कैटर्ड हो जाती है, इससे हमारी ऑरा वीक हो जाती है, इससे हम ना एज ए वीक पर्सन हो जाते हैं। हमारी ऑरा वीक हो जाती है, हमारे वर्ड्स की वैल्यू वीक हो जाती है, हमारी पॉजिटिविटी वीक हो जाती है, सब कुछ वीक हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपीज है और वो 50,000 रुपीज कुछ आपने केरला में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसे आपने दुकान खोल लिया मध्य प्रदेश में जाके, कुछ पैसे आपने दुकान खोल लिया वहां, तो आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आप फाइनेंशियली ब्रोकर हो जाएंगे, क्योंकि आप इतना मैनेज कर ही नहीं सकते। उसी तरीके से जैसे अगर फाइनेंशियल टर्म्स बताया, हम लोग अपने आप को अपनी थिंकिंग से इतना स्प्रेड कर लेते हैं ना कि हम लोग बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत आम आदमी हो जाते हैं। तो उसको श्रिंक करने का क्या तरीका है, उसको श्रिंक करने के लिए मेडिटेशन का यूज करते हैं, ध्यान का यूज करते हैं। और देखिए कभी भी जो हम लोग मेडिटेट करते हैं वो क्या करता है, हमारे अटेंशन जोन को बस श्रिंक करता है। अगर हम अपने सांस पे मेडिटेट कर रहे हैं तो हमारा जो सांस है वो हमारे सबसे करीब है। अगर हम किसी फोटो पे मेडिटेट कर रहे हैं तो वो भी हमारा जो अटेंशन जोन स्प्रेड हुआ था वो किसी जोन पे श्रिंक कर रहा है, वो उतने में हेल्प करता है। और जो मेडिटेशन से जो ज्यादा सही शब्द है वो है अवेयरनेस। मेडिटेशन फेमस इसलिए हुआ क्योंकि मेडिटेशन को ओशो ने फेमस किया, और जब भी कोई नए स्पिरिचुअल मास्टर्स आते हैं उनको कोई एक नए शब्द का थोड़ा इजाद करना होता है, थोड़ी मार्केटिंग वगैरह भी करनी होती है अगर आप उसको बिजनेस में करके आ रहे हैं। उनको लोगों को नई चीज चाहिए होती है, नई शब्द चाहिए होता है, क्योंकि ना मैं आपको बताऊँ ज्यादातर लोग ना एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, क्यूरियोसिटी ढूंढते हैं, अपनी लाइफ साथ में खिलवाड़ करते हैं, तो कई बार वो चीजें करनी पड़ती है। सो इस तरीके से मेडिटेशन है, जो ज्यादा सही शब्द है
वो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस है। जितना भी अभी तक हमने सीखा उसका हमें यूज कैसे करना है मेडिटेशन का, हमें ना अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। अवेयरनेस किस चीज को लेके? हर एक चीज को लेके, अपनी थॉट को लेके, अपने वर्ड्स को लेके, अपने प्रेजेंस को लेके। वो धीरे धीरे बढ़ेगी, अचानक से नहीं बढ़ेगी। जैसे आप लोग मेरे साथ कोई काफी टाइम से, अलग अलग टाइम से आप लोग मेरे साथ, कभी भी आप देखना मेरी वर्ड अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है। वर्ड अवेयरनेस, थॉट अवेयरनेस सबसे मुश्किल होता है। मुझे अपने हर वर्ड्स का पता होता है, मेरे सारे शब्द बड़े नपे तुले होते हैं। ये क्या हम लोग एक्टिंग करते हैं? नहीं, मुझे एक्टिंग कोई जरूरत नहीं, ये हमारी अवेयरनेस है। क्योंकि ना देखिए, जब हमारे अंदर बैलेंस होता है ना, तो हम फिर वही चीज हम बाहर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चीज कैसे हुआ? ये ओवर द पीरियड हुआ, ओवर द जर्नी हुआ। जब हम अपने आप को किसी राइट मास्टर से कनेक्ट करते हैं तो ठीक है, फिर धीरे धीरे ना। मास्टर करते क्या है? देखिए अभी हो क्या रहा है, अभी दो लोग बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, दो लोग हम लोग कम्युनिकेट। अब देखिए, मेरा एक प्लेन है, आपका एक प्लेन है, और हम सब ना एक अलग अलग प्लेन पे होते हैं। और मास्टर का मतलब ही यही होता है कि जो हमसे आगे के प्लेन पे हो। नॉलेज वॉलेज एक अलग बात है, ऐसा नहीं कि किसी ने गीता पढ़ लिया उसका प्लेन चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। अगर इतना आसान होता ना तो गीता तो हर घर में आज इस्कॉन वाले 100-100 रुपए की बेच रहे, सबके घर में है गीता। अगर इतना आसान होता ना फिर तो बात ही क्या। मास्टर के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो होता क्या? मास्टर का मतलब ये है कि जो हमसे ऊंचे प्लेन पे है, तो जब हम उसको सुनते हैं, देखते हैं, इसी मेडिटेशन का यहाँ भी यूज होता है थोड़ा सा, इसीलिए बोलाता है कि फोटो पे आप मेडिटेट। तो जब भी हम उनको कनेक्ट करते हैं तो हम ना, हमारा ना धीरे 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 प्लेन शिफ्ट होता है। इसी वजह से जैसे जो महावीर की टीचिंग है, वहां पे उन्होंने 3-4 सूत्र दिए हैं। सबने अपने अपने सूत्र दिए हैं, सबने अपने अपने टीचिंग्स में दिए। उनका एक सूत्र है जो जिसमें वो बोलते हैं कि आप केवल सुन के, केवल श्रवण करके, केवल आर्ट ऑफ लिसनिंग से आपकी जर्नी कंप्लीट हो सकती है। उसका क्या रीजन? उसका यही रीजन, क्योंकि जब आप ना सुनते हो अपने मास्टर को, बार बार सुनते हो, बार बार सुनते हो, तो आप ना ट्रांसफॉर्म होते हो, आपका प्लेन ट्रांसफॉर्म होता है, आप आगे बढ़ते हो। हमें यही करना है, हम यही चाहते हैं। सो मैं अभी तक के मैसेज को समराइज करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, हर तरह की अवेयरनेस को। और पहला प्रिंसिपल तो ऑनेस्टी है, और ऑनेस्टी से केवल फायदा होगा आपको, ऐसा नहीं है। फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जिससे केवल फायदा होता है। बहुत सिंपल सी बात समझिए, झूठ बोलने से फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। उसी तरीके से सच बोलने से फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। ये फायदे नुकसान को झेलना, यही सब तो साधना है। और क्या आपको लगता है कि आंख बंद करके बैठ जाऊंगा आपको भगवान मिल जाएगा? हम किसको बेवकूफ बना रहे? कितने साल से बस इतनी सी बात है, तो आंख बंद करने में क्या है? वो तो कोई भी आंख बंद करके बैठ जाएगा। आप समझिए इस चीज को। जिसकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको कंप्लीट आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद ही जर्नी में है, उसको खुद ही नहीं पता, वो खुद ही ढूंढ रहा है। गौतम बुद्ध की लाइफ का कुछ इंसिडेंट बताता हूँ। देखिए, ये जर्नी शुरू ही ऑनेस्टी से होती है, ये जर्नी शुरू ही ऑनेस्टी से होती है। अगर देखिए, मैं उसे बहुत बार बार बोल रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि वो कुरेदेगा आपको, आपके मन को टच करेगा। तो जब गौतम बुद्ध की जर्नी शुरू हुई तो वो मास्टर ढूंढना शुरू किया। कोई भी मास्टर ढूंढता है, मतलब अलग अलग तरीके से हम सब ढूंढते। तो वो जंगल में गए, मास्टर्स एक मास्टर्स के पीछे पड़े। तो उनको जो मास्टर्स मिलते थे ना, देखिए रियलाइज लोग बहुत कम होते, तो उनके जो मास्टर्स मिलते थे वो उनको जो जो बताते थे वो सारी चीजें करते थे। तो कई बार जो कुछ मास्टर्स होते हैं ना, उनके ट्रिक होते हैं कि इतना टफ काम दो ना कि जो स्टूडेंट है वो कर ही ना पाए, और वो कर ही ना पाए तो आपको और महान समझेगी। देखो, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहे तो ये बड़े महान है। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे वो सारी चीजें करते थे, और उनके साथ उनके जो भी मास्टर्स हैं उन्होंने इतना गलत उनके साथ वो किया। क्योंकि देखिए, जो अपने साथ गलत कर रहा है वो आपके साथ भी गलत करेगा। बहुत सिंपल सी बात, जो अपने साथ गलत कर रहा है ना वो आपके साथ भी गलत करेगा। और मैं आपको बताऊं लाइफ की हकीकत, बहुत लोग हैं जो अपने साथ गलत कर रहे हैं। बहुत लोग, उनको पता ही नहीं चलता है कि अपने साथ वो कर क्या रहे हैं। उनको ऐसे ऐसे मास्टर्स मिले जिन्होंने बोला कि तुम बस चावल का दिन में एक दाना खाओ और ऐसे रहो तो तुम्हें बुद्धत्व मिल जाएगा। वो भी रहे, मरते मरते बचे। वो सब कुछ करके फिर अपने गुरु के पास पहुंच जाते थे कि गुरुजी मैंने किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं। तो उनके कुछ गुरु तो बोलते थे कि देखो जी, जब तक तुम मेरी जिंदगी में नहीं आए थे ना, तब तक मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी थी, मुझे ही भगवान मिला था। जब से तुम्हारा मेरा भगवान चला गया तो तुम कहीं और जाओ, मुझे परेशान मत करो। ये उनके साथ हुआ, ऐसा नहीं है, ये हम सबके साथ भी कहीं ना कहीं होता है। हमें क्यों नहीं समझ में आता? हमारी वीक अवेयरनेस की वजह से। मेडिटेशन से जो ज्यादा सही शब्द है वो अवेयरनेस है। और ऐसा नहीं कि ओशो ने अवेयरनेस यूज नहीं किया, सबने यूज किया अवेयरनेस। तो एक तो थोड़ा सा ना अपनी ऑनेस्टी को समझिए, आप देखिए कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं। हर चीज का फायदा नुकसान होता है, और अगर आपको फायदा नुकसान ही देखना है तो फिर आप फायदा नुकसान देखिए। क्योंकि हम ना एक साथ कई चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। हमारा एक फोकस होना चाहिए कि हम चाहते क्या है अल्टीमेटली। हम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो भी हमारी पेन्स उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, या हम बस फायदा नुकसान हम बिजनेस करना चाहते हैं, ये आपको थोड़ा समझना होगा। दूसरा ये है कि देखिए, जैसे जब भी आप जो भी वर्ड यूज करें
थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए आप कि क्या वर्ड यूज कर रहे हैं. इनकम्प्लीट वर्ड, वीक वर्ड, गलत वर्ड मत यूज कीजिए. अगर आप वो यूज करोगे तो आप एक इनकम्प्लीट जर्नी में, गलत जर्नी में आप रहोगे. मेडिटेशन इनकम्प्लीट वर्ड है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया. मेडिटेशन इन ऑन वॉट, वैसे तो अवेयरनेस, अवेयरनेस की भी अगर बात करें तो अवेयरनेस ऑन वॉट, लेकिन अवेयरनेस तो ठीक है, बोध है, अवेयरनेस हर चीज को लेके. मेडिटेट आप हर चीज पे नहीं कर सकते. हम अवेयर रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने घर में रहते हैं, कोई आता है तो हम लोग अवेयर रहते हैं, हम देखते हैं कौन आया. अवेयरनेस ज्यादा इजी, आप मेडिटेट थोड़ी करने लगते हो कि बोलो कि बैठो जी आप ऊपर मेडिटेट करना है, आइए बैठिए थोड़ा 5 मिनट बैठिए मैं आपको मेडिटेट करूंगा. मेडिटेट मतलब देखना है, मेडिटेट का मतलब एनर्जी पोर करना है. अवेयरनेस थोड़ा सॉफ्ट चीज है. सो अगर थोड़ा सा आप अवेयरनेस को समझ पा रहे हैं तो अवेयरनेस लिखिए. अगर समझ पा रहे कोई भी, देखिए मुझे कोई मेडिटेशन शब्द को कोई बदनाम नहीं करना है, ये सब मेरा कोई पर्पज नहीं है. बस मैं चाहता हूँ कि जो चीज मैं समझाऊं आप समझो उस चीज को, ठीक है. मेडिटेशन को भी आप समझो, अवेयरनेस को भी समझो. हम लोग मेडिटेशन वर्ड यूज तो कर ही रहे ना, तो हमें समझना है और जितना भी सीखना है ना उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है. तो अभी ना एक मैं म्यूजिक कोई प्ले करूंगा, ठीक है, कोई भी गाना हो सकता है, बस उसको ना थोड़ा सा आप इंजॉय करने की कोशिश की, आप उससे ना कनेक्ट करने की कोशिश की. उसको कोई मेडिटेट करने की कोशिश मत कीजिएगा. मेडिटेशन का मतलब होता है एनर्जी पोर करना. हम लोग हमेशा एनर्जी पोर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए. हम इंजॉय कर सकते हैं अपनी वे ऑफ लिविंग को करना है, जो भी 2-3 मिनट उसके साथ अपने आप को ना, अपनी सोल को ना थोड़ा सा नोरिश होने दी. देखिए अब हमें क्या करना है, हमें अपने आप को ना थोड़ा श्रिंक करना है. हम लोग ना थोड़ा स्कैटर्ड हो गए हैं जिंदगी की भाग दौड़ में, अपने कामों की उलझन में, अपनी डिजायर्स में, परेशानियों में. हमारी जो हैबिट्स है सोशल मीडिया ने, टीवी मीडिया ने, थोड़ा सा हम लोग स्कैटर्ड हो गए हैं. देखिए जो मैं वर्ड आपको जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज अवेयरनेस. अवेयरनेस आपको बचाएगा, मेडिटेशन नहीं, अवेयरनेस इज द आंसर. इसको समझिए. नहीं समझ में आ रहा तो आप चैट में पूछिए, अगर हो सकता है मेरे समझाने में कमी है तो मैं दोबारा समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा. लेकिन इस चीज को समझिए, क्योंकि देखिए मेरी ये जो जर्नी रही है, मुझे अवेयरनेस ने हेल्प किया है. मेडिटेशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ी. मेरा जो वे ऑफ लिविंग था ना वो मेडिटेटिव था. मेरा जो वर्क है मैंने उसमें अपने आप को मर्ज किया. कोई भी जो टीचर होता है वो बहुत से वर्ड्स यूज करता है. आप क्लिंग कुछ वर्ड वो बार बार रिपीट करता है, उसके बहुत से रीजन होते हैं. अगर कोई चीज अगर लोगों से कनेक्ट करना होता है तो थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ता है, मार्केटिंग में कुछ वर्ड का यूज करना पड़ता है, बहुत सी चीजें हैं. और कई बार हम लोग उसी से क्लिंग कर जाते हैं और जो हुआ भी है. सो जो भी ठीक है, जो भी कुछ गलत हुआ या जो भी कुछ पार्शियली हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, वहीं पे तो आपको, वहीं पे तो लाइट देना, वहीं पे तो आपको हेल्प करना, वही तो मेरी जिम्मेदारी है. अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो, ट्रस्ट नहीं करते तब तो इन बातों का मतलब नहीं, और ट्रस्ट नहीं करते तो शायद अभी हम लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं करते. सो अवेयरनेस को समझिए. अब अवेयरनेस का यूज देखिए कैसे कैसे किया जा सकता है. जितने भी आपसे वीक सोर्सेज हैं, देखिए आपको ना लाइफ में दो तरह के सोर्स मिलेंगे. आप एक पॉइंट पे हो, आप जिस पॉइंट पे हो उससे कुछ लोग होंगे जो उससे वीक पॉइंट पे होंगे, वो आपके लिए नेगेटिव है, और आपसे जो स्ट्रांग है वो आपके लिए पॉजिटिव है. तो अगर आपको स्ट्रांग होना है, अपने आपको अपलिफ्ट करना है, तो अपने से स्ट्रांग सोर्सेज से अपने आपको कनेक्ट करो. मेरा सीधा सा ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप टीवी देखते हैं, मीडिया के लोगों को देखते हैं, पॉलिटिशियन को देखते हैं, वो बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन के लोग हैं. सोललेस लोगों को आप देखोगे ना तो आप भी सोललेस हो जाओगे. देखिए दो चीजें होती हैं आपके पास, अगर पेन पेपर हो तो लिखो, अदरवाइज माइंड में आप रखो. दो तरह के लोग होते हैं, एक सोलफुल और एक सोललेस. हमें सोलफुल बनना है, हमें अपनी सोल को अर्न करना होता है. अगर आप सोललेस लोगों से कम्युनिकेट करोगे ना, वो आपको भी सोललेस बना दे. उसको हिंदी बोलते हैं आत्मवान. हमें ना, हम लोग की सोसाइटी में ना आत्मवान लोगों की जरूरत है. आपको आत्मवान बनने की जरूरत है, और वो अचीवमेंट है, मेरे बोलने से नहीं हो जाएगा, वो आपको अर्न करना पड़ेगा. ऑनेस्टी आपको अर्न करना पड़ेगा, हमने शायद कहीं ना कहीं लूज किया है, आपको अर्न करना पड़ेगा. जैसे हम लोग रुपीज अर्न करते हैं, रिचनेस अर्न करते हैं, उसी तरीके से ना हमें वो अर्न करना पड़ेगा. सोलफुल होना, देखिए जो सोलफुल लोग होते हैं उनकी वॉइस और प्रेजेंस सब कुछ बहुत अलग होता है. और जो सोललेस लोग होते हैं उनसे तो कुछ भी बोलवा लो, उनको तो 200 रुपए, तो उनको बोलो जी ये बोलना है ये बोले. तो आपसे जो वीक लोग हैं, स्पेशली मैं आपको बताऊं, दो फील्ड में ना हम लोग की जो सोसाइटी है
दो फील्ड में सबसे नेगेटिव लोग, ज्यादातर लोग बहुत नेगेटिव, एक पॉलिटिक्स एक मीडिया। इन दो लोगों से ना जितना आप बचोगे, क्योंकि देखिए जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हो हर एक पर्सन आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे मान लो आप मेरे से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि आप जितना सीखोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही होगा, उतना ही होता है, फिर तो कभी होगा ही नहीं, होता ही नहीं। बस आप मेरे से जैसे कनेक्ट करते हो आपकी एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अपने मास्टर से कनेक्ट किया, मैं क्यों इतना कम एज में इतना ज्यादा ग्रो किया, क्योंकि मेरी लाइफ में ना मास्टर्स के अलावा कोई रहे ही नहीं, किसी को मैंने आने ही नहीं दिया, वीक लोगों को मैंने आने ही नहीं दिया। तो जो भी अपनी यहाँ पे आपको आपकी अवेयरनेस हेल्प करेगी, अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग टूल है जो आप हर जगह यूज कर सकते हो। मेडिटेशन आप वो हर जगह नहीं यूज कर सकते, मेडिटेशन है युद्ध करना। अरे भैया युद्ध नहीं करना है हमें, हमें बस अवेयर रहना है, अवेयर रहना है, रिस्पॉन्ड करना है। अब देखिए मेरा अप्रोच बहुत रिस्पॉन्सिव अप्रोच रहता है। ये सेशन हमने जो स्पिरिचुअल सेशन है पहले 3-3.5 साल पहले किया, अभी क्यों प्लान किया, क्योंकि जब देखा हम लोग के सेशन में लोगों के क्वेश्चन आए वो आया, तो लगा शायद इसकी जरूरत है, तब हमने प्लान किया। तो अवेयरनेस को समझिए, अपने से नेगेटिव लोगों से बचिए। अब आप ये देखिए थोड़ा सा अपने आप को श्रिंक होता हुआ फील कर पा रहे हैं कि आप जो स्कैटर्ड थे, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग स्कैटर्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में अपने वेरियस रीजन की वजह से, अब आप ये देखिए थोड़ा सा आप अपने आप को श्रिंक होता हुआ महसूस कर रहे हैं या नहीं महसूस कर रहे, तो अपने अटेंशन जोन को थोड़ा श्रिंक कीजिए आप, अपने अटेंशन जोन को थोड़ा सा श्रिंक कीजिए आप, समेटिए आप, अपनी तरफ लौटिए, अपनी तरफ लौटिए। मेडिटेशन करना नहीं है, अपने आप हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, मेडिटेशन नहीं करना है, अपने आप हो जाए, अपने आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाओ वो एक अलग बात है, वो बाई प्रोडक्ट हो वो एक अलग बात है। अगर इस प्रोसेस में अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। और जबरदस्ती बंद की हुई आंख ना वो दो कौड़ी की होती है, उसे कोई वैल्यू नहीं होती। जो आंखें अपने आप बंद होती है उसकी वैल्यू अलग है। आंख बंद करना और आंख बंद होना दोनों में डिफरेंस है। आंख बंद करना एक बायोलॉजिकल एक्ट है और आंख बंद होना ये तब होता है जब हम अंदर की तरफ लौटते हैं ना, तो आंख खुली रह नहीं सकती, क्योंकि हमारा जिधर ध्यान जाता है हमारी बॉडी उसी हिसाब से बोलती है। तो थोड़ा सा अपने आप को श्रिंक करते हैं, कुछ और मिनट्स हम लोगों के साथ है, अपने आप हो जाए ठीक, ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपनी तरफ लौटिए, अपनी तरफ लौटिए, अपने आप को श्रिंक कीजिए, जो आपने अपने आप को फैला लिया है ना अपने अटेंशन को अपने फोकस को, अपनी तरफ लौटिए, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताइए, अपने आप को थोड़ा श्रिंक कीजिए, थोड़ा श्रिंक होता हुआ महसूस कीजिए, अपने शरीर को थोड़ा महसूस कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने हाथ पैर अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स को महसूस कीजिए, अपने ब्रीथ को महसूस कीजिए, थोड़ा टाइम अपने साथ, थोड़ा सा कुछ मोमेंट्स अपने साथ रुकिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी पर्पस, और कोई एफर्ट्स नहीं करना है अभी। जो आप मोमेंट्स मेरे साथ है ना, आप अपने आप को मेंटली इमोशनली मेरे ऊपर छोड़ दो, आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आंखें अपने आप बंद हो जाए तो ठीक, ना हो तो कोई, थोड़ा सा अपने आप को श्रिंक कीजिए, अपने अटेंशन को थोड़ा सा अपने बॉडी अवेयरनेस पे ले आइए, अपने शरीर अपने बॉडी अवेयरनेस पे लाइए, अपने रूम अवेयरनेस पे ले आइए। आप जिस रूम में बैठे हैं बस उसको थोड़ा सा ठीक है, बस अटेंशन जोन को हम क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। पहले पता नहीं कहाँ कहाँ तक था, फिर उसको श्रिंक करके अपने रूम तक ले आए, उसको और श्रिंक करके अपने शरीर तक, उसको और श्रिंक करके अपने ब्रीथ तक ले आए, और थोड़ा वक्त अपने साथ कुछ मोमेंट्स ठहरिए, विदाउट एनी पर्पस, कोई एफर्ट्स नहीं करना है। अच्छा फीलिंग हो खराब जो भी हो फीलिंग, उसका हमें उसकी चिंता नहीं करनी। 3-4 times डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, अगर आईज बंद हो गई है तो आईज ओपन कर लीजिए। अगर आईज बंद हो गई हो तो बाहर आ सकते हैं धीरे धीरे, नहीं बंद हुई है तो कोई बात नहीं। देखिए अब थोड़ा समराइज कर देते हैं कि आज हमने क्या क्या बातें किया, कुछ आपके जो क्वेश्चन है उसको आंसर करके हम लोग करें। हमने एक तो ऑनेस्टी की बात की, हमें फिर से जब हम लोग छोटे थे या पता नहीं कभी इंग्लिश की किताब में कहीं पढ़ाया गया था ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, दोबारा किसी ने बोला नहीं। आज के डेट में कोई स्पिरिचुअल मास्टर ऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा है। उसका रीजन है क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को दिखाना और होना दोनों में डिफरेंस है। जो होगा उसके अंदर से अलग बातें फ्लो करेंगी, और जो दिखाएगा वो उसके अंदर अलग बातें फ्लो करेंगी। तो ऑनेस्टी को समझिए, ऑनेस्टी इज द फर्स्ट स्टेप मेरी समझ, क्योंकि मुझे इन्हीं सब चीजों ने हेल्प किया है, मुझे इन्हीं सब चीजों ने हेल्प किया। सो ऑनेस्टी को समझिए, अगर आप डिसऑनेस्टी के ट्रैक पे चले गए हैं तो वापस थोड़ा सा ऑनेस्टी के ट्रैक पे आइए, नुकसान होगा, और यही साधना है असली। मेडिटेशन को समझिए, मेडिटेशन जब भी आप मेडिटेशन वर्ड यूज करें तो आप ये देखिए कि आप मेडिटेट किस पे कर रहे हैं, आप ये देखिए। और मेडिटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अवेयरनेस, क्योंकि मेडिटेशन मतलब देखना, आप किसको देख रहे हो,
अंदर आप कैसे देख लोगे, हमारी आदत है बाहर देखने की, हम अंदर कहाँ देखेंगे। अवेयरनेस हमें श्रिंक करता है। ये एक इमेज है, मतलब देखिए ये इमेज में दिख रहा है ना कि दो लोग युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें पीस देखिए और बैलेंस देखिए। अगर आपकी अवेयरनेस स्ट्रांग होगी ना, आप बार बार रियलाइज करेंगे अवेयरनेस आपको हेल्प कर रहा है। मेडिटेशन एक एक्ट है, स्पिरिचुअल जर्नी में हमें एक्ट को मिनिमाइज करना है। मेडिटेशन एक एक्ट है, हमें अवेयरनेस की जरूरत है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये युद्ध है, लेकिन ये देखिए बड़ा पीसफुल, बहुत आपको सब कुछ यहाँ बड़ा पीसफुल दिखेगा। कुछ भी आपको ना वायलेंट नहीं दिखेगा, बहुत आपको कुछ भी आपको ना यहाँ पे वैसा नहीं दिखेगा कि बहुत वायलेंस हो रहा है। अगर इस इमेज में वायलेंस अगर आपको दिख रहा है, अगर वायलेंस होती तो मैं इसको यहाँ यूज ही नहीं करता। ये कुछ दिखा रहा है आपको कि ये देखिए लाइफ का ना एक एक्सट्रीम मोमेंट दिखा रहा है। हम लाइफ के हर एक मोमेंट में हम लोग अपना पीस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन पीस बहुत आगे की बात है, पीस की तो आज मैंने बात ही नहीं किया। ऑनेस्टी इज द फर्स्ट स्टेप। ऑनेस्टी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपकी ज्यादा हेल्प कर नहीं पाऊंगा। पीस तो बहुत आगे की बात है। एक डिसऑनेस्ट पर्सन कैसे पीसफुल हो सकता है, आप खुद सोचिए। एक बेईमान आदमी, उसकी लाइफ में आपको लगता है पीस आ जाएगा, तो फिर एक ईमानदार और बेईमानी का फर्क क्या रहा। हाउ अवेयरनेस इज यूजफुल फॉर पीस। अवेयरनेस ना की है, टूल है, आप इसको यूज करना शुरू कीजिए। इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अपनी हर एक एक्टिविटी को ना धीरे 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 आप ना अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए। अवेयरनेस ऐसे बढ़ाइए, जब आप वॉक करो ना अपना लेग मूवमेंट ऑब्जर्व करो, क्योंकि देखिए अवेयरनेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप उसको ना एक बिल्कुल बच्चे की तरह आप उसको यूज करोगे आप, क्योंकि शायद आप पहली बार सुन रहे हो या पहली बार इसको सीरियस ले रहे हो। मैं अवेयरनेस को पिछले 8-9 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं अवेयरनेस की दूसरी तरफ हूँ, आप अवेयरनेस की दूसरी तरफ हो। आपका क्वेश्चन है हाउ अवेयरनेस इज यूजफुल फॉर पीस। अवेयरनेस के बिना पीस आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता, अवेयरनेस के बिना ना, क्योंकि अवेयरनेस में ही आप देख पाएंगे कि किस चीज को लाइफ में आने से रोकना है और किस चीज को लाइफ में आने देना है। क्योंकि जो हमारा हम सबका ना अपना एक वर्ड होता है, हम अपने वर्ड में किसको जगह दें, किसको आने दें, किसको ना आने दें, अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर तो आपकी शांति अमन चैन सब लुट जाएगा। अवेयरनेस मीन्स कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस देखिए जो कॉन्सियसनेस है वो कह सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस थोड़ा सा डीपर मीनिंग हो जाता है। कॉन्सियसनेस ठीक है, इनिशियल स्टेज में कॉन्सियसनेस रहेगा, लेकिन ना कॉन्सियसनेस आप देखिए कॉन्सियसनेस में आपका कॉन्सियस माइंड इन्वॉल्व है। जहां कॉन्सियस माइंड से डीपर में गए तब कॉन्सियस ना खड़ा कर देगा हाथ। अवेयरनेस ना आपके सोल लेवल तक होता है। तो ये डिफरेंस है कॉन्सियसनेस एंड अवेयरनेस के बीच। हाउ टू मेंटेन अवेयरनेस थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, वो अपने आप वो स्प्रेड कर जाएगा, वो लाइट जैसा है। आपको छोटी सी एक्टिविटी से शुरू करना है, अपने आप वो स्प्रेड करना, वो अपने आप आपका वे ऑफ लिविंग बन जाएगा। जैसे वे ऑफ लिविंग मेरा जो अवेयरनेस है ना वो वे ऑफ लिविंग है, वो कोई मुझे उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में प्रैक्टिस से शुरू करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे ना वो आपके अंदर आपको पेनेट्रेट कर जाता है।